नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार कंपेरिज में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा की नई एल्ट्रोज और मारुति सुजुकी सिलारियों की एक विस्तृत तुलना। अब इससे पहले कि आप कमेंट्स में यह अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं इत्यादि लिखना शुरू कर दें, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिन ग्राहकों का बजट 5 से 6 लाख रुपये है उनके दिमाग में आज यह सवाल जरूर आता होगा कि सिलारियों जैसी गई गुजरी गाड़ी लेने के बजाय एल्ट्रोज का रदम बैग लगा हुआ XC या AM मॉडल खरीदना बेहतर पर्याय तो नहीं होगा। दोस्तों क्या टॉप एंड सिलारियो एल्ट्रोज जितनी सुरक्षित गाड़ी है? क्या उसका सस्पेंशन एल्ट्रोज जितना कंफर्टेबल है? क्या टॉप एंड सिलारियो में रिदम पैक वाली एल्ट्रोज जितने फीचर्स भी मिलते हैं? तो आइए आज देखते हैं एल्ट्रोज की ऐसी 4 खूबियां जो उसे सिलारियो से बेहतर गाड़ी बनाती हैं, और तुरंत उसके बाद हम इसी वीडियो में आपको सिलारियो की भी ऐसी 4 खूबियां बताने वाले हैं जो एल्ट्रोज में मौजूद नहीं है। दोस्तों तो दोस्तों शुरू करते हैं एल्ट्रोज की पहली खूबी से, जो है सेफ्टी। टाटा के नए AMP यानी कि एडवांस मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनी हुई पहली गाड़ी है यह एल्ट्रोज, जबकि सिलारियो बनी है मारुति की A-स्टार के ढांचे पर। एल्ट्रोज का अल्फा प्लेटफॉर्म उन्हीं की नेक्सॉन के X1 प्लेटफॉर्म से हल्का और कड़ा है। तो जब पुराने प्लेटफॉर्म पर बनी नेक्सॉन तो एयरबैग्स वाले मॉडल ने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार का लाजवाब सेफ्टी रेटिंग हासिल किया था, तो उससे बेहतर प्लेटफॉर्म पर बनी एल्ट्रोज उससे बेहतर सेफ्टी हासिल कर गई, इस बात में कोई अचरज की बात नहीं है। दोस्तों दूसरी ओर सिलारियो के बिना एयरबैग्स वाले मॉडल को ग्लोबल NCAP टेस्ट में 0 स्टार रेटिंग मिला था सेफ्टी में। सिलारियो के 4 एयरबैग वाले मॉडल को यूरो NCAP में 3 स्टार रेटिंग मिला था और 6 एयरबैग वाले मॉडल को लैटिन NCAP में 4 स्टार रेटिंग मिला था। हमारी सिलारियों में 1 या 2 एयरबैग्स का पर्याय उपलब्ध है, उसका क्रैश टेस्ट रेटिंग 1 या 2 स्टार आएगा ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि चैसिस कड़ी होने के और भी कई सारे पहलुओं में फायदे होते हैं जिसके बारे में हम दोस्तों आगे बताएंगे। तो दोस्तों दूसरी खूबी है पकड़ और सस्पेंशन। तो कड़ी चेसिस का दूसरा फायदा है अच्छा सस्पेंशन कंफर्ट। गाड़ी की चेसिस अगर ज़्यादा कड़ी हैं तो उसमें फ्लेक्स की समस्या सबसे कम आती है। फ्लेक्स कम रहा तो इंजीनियर्स को गाड़ी का सस्पेंशन नरम रखने का मौका मिलता है। सिलारियों को सस्पेंशन कंफर्ट बुरा नहीं है दोस्तों, वह भी गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को ठीक ठाक सोख लेती है। लेकिन जिस कुशलता से एल्ट्रोज गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को सोख लेती है वैसे सिलारियों नहीं सोख पाती। कड़ी चेसिस होने के एक और फायदा है अच्छी पकड़ और नियंत्रण। कड़ी चेसिस वाली गाड़ियाँ गड्ढे पर बेहतरीन चपलता दर्शाती हैं दोस्तों। ऊपर से टाटा ने एल्ट्रोज के सिलारियों से 3 इंच लंबा व्हील बेस दिया है, यानी कि एल्ट्रोज के अगले और पिछले पहिए में सिलारियों से 3 इंच ज़्यादा अंतर रखा गया है, जिससे गाड़ी का संतुलन और सस्पेंशन कंफर्ट दोनों सुधर जाता है। नए प्लेटफॉर्म का एक और फायदा यह है कि टाटा मोटर्स ने एल्ट्रोज में 16 इंच के पहिए और 195mm चौड़े टायर्स के हिसाब से व्हील वेल्स बनाई हैं, यानी कि सिलारियों से 2 इंच बड़े व्हील्स और 30mm चौड़े टायर्स, जिससे एल्ट्रोज जो है मोड़ों पर सिलारियों से कई गुना बेहतर पकड़ और नियंत्रण बनाए रखती है। दोस्तों तीसरी खूबी है अंदरूनी जगह। एल्ट्रोज सिलारियों से 1 फुट लंबी गाड़ी है और 6 इंच चौड़ी भी, तो जाहिर है कि एल्ट्रोज में सिलारियों से कई गुना बेहतर अंदरूनी जगह मिलती है। एल्ट्रोज का सबसे बड़ा फायदा है उसकी पिछली सीट सिलारियों से कई गुना चौड़ी है, इस वजह से उस पर 3 यात्री बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, जबकि सिलारियों में उन्हें सिकुड़ के बैठना पड़ता है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा एल्ट्रोज की लेग रूम और नी रूम भी सिलारियों से 2 इंच बेहतर है, और तो और एल्ट्रोज की बूट स्पेस भी सिलारियों से 110 लीटर बड़ी है दोस्तों। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अगर आप परिवार के 5 सदस्य और उनके हफ्ते भर के सामान के लिए रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो सिलारियों में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, जबकि एल्ट्रोज में सब कुछ आसानी से समा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे नए वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाला पर्याय चुनना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों चौथी खूबी है फीचर्स और ऑप्शंस। दोस्तों एक बात गलती से भी मत भूलना कि रट्टू पोपट सेल्समैन की तरह सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स की तुलना मत करना। यह देखा जाता है कि ज़्यादा जरूरी होता क्या है, कि समान कीमत वाले मॉडल्स में कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे टॉप एंड सिलारियो यानी कि ZXI-O जिसकी कीमत है 6,35,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। अब इसकी तुलना टॉप एंड एल्ट्रोज से करके कोई बेवकूफ आपको 2 लाख रुपये का फर्क दिखा रहा है, तो उसके सामने एल्ट्रोज का XM मॉडल विद रिदम पैक पेश करना, उसकी कीमत सिलारियो टॉप एंड से सिर्फ 35,000 रुपये ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन उसमें पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर, इको ड्राइव मोड्स, टच स्क्रीन और ISO फिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं जो टॉप एंड सिलारियों में भी नहीं मिलते हैं। इसलिए टॉप एंड टू टॉप एंड वाला जो कंपैरिजन है वह हमेशा समझदारी नहीं होती है उसे करने में दोस्तों। सिलारियो ZXI से तुलना करनी हो तो एल्ट्रोज XE मॉडल विद रिदम पैक की करना। दोनों की कीमत है लगभग 5,80,000 रुपये, और दोनों गाड़ियों में AC, पावर स्टीयरिंग, रिमोट वाला सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम, पार्किंग सेंसर, ABS, 2 एयरबैग्स और फ्रंट पावर विंडोज जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों। माना कि सिलारियो ZXI में 2-4 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन एल्ट्रोज XE रिदम में बड़ा इंजन,
ज़्यादा अंदरूनी जगह, बेहतर बूट स्पेस, अच्छे सस्पेंशन कंफर्ट और बेहतर सेफ्टी भी तो मिलती है। तो फीचर्स की तुलना करते वक्त यह सारी मूलभूत पहलुओं पर भी कभी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये फीचर्स की सूची में कोई लिखता नहीं है तो ग्राहक भूल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अल्ट्रोज की खूबियाँ क्या हैं यह तो आपने देख लिया है, तो आइए अब यह भी देखते हैं कि सेलेरियो की खूबियाँ क्या हैं। दोस्तों सेलेरियो की पहली खूबी है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। दोस्तों शर्म आनी चाहिए टाटा मोटर्स को कि इस सदी में वह जिस गाड़ी को प्रीमियम हैचबैक बोल रहा है उसमें एक भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का पर्याय नहीं दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी। टाटा मोटर्स के बोर्डरूम्स में कुर्सी गर्म करने वाले बुड्ढों को किसी गोरे ने ऐसी जड़ी बूटी पिलाई है कि AMT का स्मूथनेस अच्छा नहीं होता है। हुंडई भी पहले इसी गलत फहमी में अटक गया था दोस्तों, लेकिन जब हुंडई ने नया इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेटर वाले AMT को आजमाया तब उन्होंने सेंट्रो में AMT लगा दिया और उसके बाद तो ग्रैंड i10 में भी लगा हुआ टॉर्क कन्वर्टर निकालकर नियोस में AMT डाल दिया दोस्तों उन्होंने। यह इलेक्ट्रॉनिक AMT पुराने हाइड्रोलिक एक्टिवेटर वाले AMT से कई गुना ज़्यादा स्मूथ है दोस्तों। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद तो ASMT प्रकार का ट्रांसमिशन आने वाला है जिनमें टॉर्क फिल का फीचर्स आ रहा है दोस्तों। यह तो इतने स्मूथ होंगे कि ड्यूल क्लच जैसे घटिया टिकाऊपन देने वाले उत्पादक अगले 10 साल अपने निर्णय को कोसते रह जाएंगे दोस्तों। लेकिन खेद की बात तो यह है कि टाटा मोटर अभी भी ड्यूल क्लच लाने की कोशिश कर रहा है जिसका टिकाऊपन उनसे संभालना मुश्किल है दोस्तों। तो अगर आप शहरी ट्रैफिक में अधिकतर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो भी अभी सिर्फ सेलेरियो AMT एक बेहतर पर्याय है और 6 लाख रुपए का आज को सेलेरियो का VXI AMT मॉडल ऑन रोड मिल रहा है दोस्तों, जिसपे आज मारुति खास कार कंपेयर दर्शकों के लिए 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहां आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियोज के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। अगर आप सेलेरियो खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइएगा दोस्तों। दूसरी खूबी है उसका पेट्रोल इंजन। 5 साल पहले टाटा जीस्ट लॉन्च हुई थी 4,64,000 रुपये की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस पे। दोस्तों अल्ट्रोज उससे लगभग 35,000 रुपये महंगी रहेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आज जब टाटा की हैचबैक खुद की सेडान से महंगा बेचना चाहता है तो यह बहुत बड़ी गलती है। मगर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि टाटा ने जीस्ट में टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देकर मार्केट के छक्के छुड़ा दिए थे। आगे जाकर नेक्सॉन में उससे भी बेहतर टर्बो पेट्रोल इंजन आ गया, तो फिर अल्ट्रोज में ऐसा कमजोर इंजन क्यों दिया टाटा ने दोस्तों। ऊपर से अल्ट्रोज में टाटा ने सिर्फ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया हुआ है जबकि नेक्सॉन में 6 स्पीड तक पहुंच चुके थे। यह देखकर लगता है कि पिछले कुछ साल में टाटा मोटर्स ने की हुई सारी प्रगति पे पानी फेर दिया है दोस्तों। सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है कि अल्ट्रोज में टर्बो पेट्रोल और 6 स्पीड दे दिया होता तो फिर नेक्सॉन को कोई नहीं खरीदेगा, यह सोचकर टाटा ने ऐसा घटिया पेट्रोल इंजन अल्ट्रोज में लगाया है दोस्तों। टाटा मोटर्स को लगता है कि मार्केट में उसकी प्रतियोगिता सिर्फ अपनी खुद की गाड़ियों से होती है। अगर ऐसा उसका मार्केट होता कि 50% शेयर है मार्केट में तो ऐसा सोचना चाहिए था उसको दोस्तों। लेकिन आज जब उसका मार्केट शेयर 5% भी नहीं है तब उसको पहले यह सोचना चाहिए कि प्रतिस्पर्धियों से बेहतर टाटा के पास कौन से इंजन उपलब्ध हैं और बाद में यह सोचना चाहिए कि उसका असर टाटा की बाकी गाड़ियों पर क्या होगा। तो दोस्तों दूसरी तरफ है सेलेरियो, जिसमें सुजुकी का जाना माना K10 इंजन मौजूद है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन 1 लीटर इंजन में से एक है। दोनों इंजन 3 सिलेंडर हैं दोस्तों। इसके बाद भी सेलेरियो की स्मूथनेस अल्ट्रोज से साफ साफ बेहतर है, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि सेलेरियो में 200cc छोटा इंजन होने के बावजूद और अल्ट्रोज से 18 HP कमजोर होने के बावजूद सेलेरियो का पिकअप अल्ट्रोज के समान है, क्योंकि सेलेरियो और अल्ट्रोज दोनों का पावर टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो एक समान है दोस्तों। तीसरी खूबी है फीचर्स। टॉप एंड सेलेरियो की कीमत है अल्ट्रोज XM विद रिदम पैक मिल जाती है, उसमें अल्ट्रोज से 3-4 फीचर्स कम मिलते हैं जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर सेलेरियो ZXIO में आपको रियर वॉश वाइप डिफॉगर, फॉग लैंप्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, अलॉय व्हील्स और CD प्लेयर जैसे फीचर्स मिलते हैं जो अल्ट्रोज XM के रिदम में भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। वैसे ही सेलेरियो ZXI में भी अल्ट्रोज XC रिदम से 4-5 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर पढ़ सकते हो दोस्तों। मगर फीचर्स का फर्क तो बहुत छोटा पहलू है दोस्तों, उससे कई गुना महत्वपूर्ण पहलू है टिकाऊपन और सर्विस, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। चौथी खूबी है टिकाऊपन और सर्विस। पिछले 5 साल में टाटा मोटर्स ने मार्केट में कई सारी लाजवाब गाड़ियां उतार दी। शुरुआत हुई जीस्ट से जिसने टाटा मोटर्स को विस्टा मांजा के बुरे दौर से बाहर निकाला दोस्तों। उसके बाद टियागो, नेक्सॉन और हैरियर ने टाटा की गाड़ियों को एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी मार्केट में सिर्फ 5% ग्राहक टाटा की गाड़ियां खरीदने की हिम्मत करते हैं। इसकी इकलौती वजह है टाटा की गाड़ियों में आने वाले छोटे मोटे बिगाड़ और उनको सुधारने में नाकामयाब रहने वाले टाटा के डीलर्स।
टाटा की सबसे आधुनिक लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पर आधारित हैरियर की बिगाड़ सुधरने में कुछ वक्त लगेगा, ऐसा खुद टाटा मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारी ग्वेंटर वुस्टेक ने फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था। दोस्तों खासकर जब प्लेटफॉर्म आया था नया, तो तब टाटा की गाड़ियों में भी ज़्यादा बिगाड़ पाए जाते हैं दोस्तों, ऐसा देखा गया है। दोस्तों एल्ट्रोज अपने प्लेटफॉर्म की पहली गाड़ी है, इसलिए इसमें बिगाड़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके विपरीत मारुति ने पिछले 30 साल में 800 से लेकर आज तक सारी गाड़ियों में यह साबित कर दिया है कि उनकी गाड़ियां लगभग सारे प्रतिस्पर्धियों से कम बिगाड़ पाए जाते हैं, और वो भी हल्के वजन के बावजूद। ऊपर से सुजुकी का अपने सर्विस सेंटर पर कड़ा नियंत्रण रहता है, जबकि टाटा मोटर्स का अपने डीलर्स पर रत्ती भर भी नियंत्रण नहीं रहता है। इसका जो असर है दोस्तों, वो सेकेंड हैंड मार्केट में भुगतना पड़ता है, जहां मारुति की गाड़ियां समान श्रेणी की टाटा की गाड़ियों से 1.5 लाख रुपए बेहतर कीमत दिलाती हैं। दोस्तों अब समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। तो दोस्तों पहली बात तो आप अगर शहरी ट्रैफिक में रोज 2 घंटे गाड़ी चलाने वाले हो तो सेलेरियो AMT आपके लिए साफ साफ बेहतर पर्याय है, लेकिन अगर आपको हाईवे ज़्यादा रनिंग रहता है तो एल्ट्रोज सेलेरियो से साफ साफ बेहतर पर्याय है। एल्ट्रोज डीजल का लो एंड टॉर्क, ओवरटेकिंग करने की क्षमता, सस्पेंशन कंफर्ट, सीटिंग और सेफ्टी और इंटीरियर सभी सेलेरियो से बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, 3-4 महीने एल्ट्रोज का ग्राहकों का टीम BHP पर रिव्यू पढ़ते रहना, और जब ये तसल्ली हो जाए कि एल्ट्रोज में ज़्यादा बिगाड़ नहीं आ रहे, तभी टाटा को बुकिंग अमाउंट